Hello, my dear students. Today I will be discussing with you a very interesting topic. And what is that interesting topic? What do we mean by citizenship? Citizenship ka concept is a very famous concept. Sab logon ne suna hoga, mere students ne bhi suna hoga, aur hum sab ko pata hai kitna important hai citizenship ka concept. Aaj hum isi ko discuss karne ja rahe hain. And let me just begin very quickly. लेकिन क्या हमें सिटीजनशिप को खाली इस अंदाज से सोचना होगा, इट इज अ लीगल एंड फॉर्मल स्टेट्स ओनली? क्या इतना ही जरूरी है? आई थिंक नॉट, इट इज नॉट इनफ. इससे भी मुराद है, सिटीजनशिप से मुराद लीगल एंड फॉर्मल स्टेट्स भी है. व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप, वी मीन बाय इट लीगल, वी आल्सो मीन बाय इट लीगल एंड फॉर्मल स्टेट्स, बट इट इज नॉट इनफ. जब हम लीगल एंड फॉर्मल स्टेट से मुराद लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिटीजन के पास ये चीज़ होना जरूरी है कि उसके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक जो एक प्रूफ के तौर पर होने चाहिए, हाँ भाई वो किसी मुल्क का सिटीजन है, नागरिक है. लेकिन क्या इतना ही जरूरी है? तो मुझे लग रहा है इतना ही जरूरी नहीं है. उससे आगे जाके ये कॉन्सेप्ट इससे भी आगे जाता है. ये भी जरूरी है लेकिन इससे आगे भी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जाता है, जिसको समझना हमें पड़ेगा. सिटीजनशिप आल्सो इंक्लूड्स और इट आल्सो इंटेल्स सब्सटेंटिव मेंबरशिप इन पॉलिटिकल कम्युनिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल कम्युनिटी इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी विच इज फाइनली यू नो वी कैन से इट इज अ स्टेट. Because state is the highest political association, it is the highest political entity, it is the most powerful organization. तो state के जो भी काम होते हैं, state के पास जो state की जो भी activities होती है, state ने जो एक नागरिक को दी होती है, जो एक citizen को दी होती है, एक citizen को उसको पूरी तरह से निभाना होगा, उस अपने को बढ़ चढ़ कर state के कामों में हिस्सा लेना होगा. That means substantive membership in political community. That means every citizen must participate in all the activities of the state, in political process of the state. He must show active participation in all the activities, whatever the state expects from him. And a citizen must fulfill all his duties, all his political obligations, which is very important. And this is much more important concept. And that's why I said citizenship is not only a legal and formal status. Even though ki hum isko mante hain, ye bahut hi zaruri hai, legal and formal status bhi bahut hi zaruri hai, lekin citizenship ka concept isse kahin aur bhi jata hai. It goes beyond that. Substantive membership in political community, which is really important. Full and equal membership in political community, which has also been said by T.H. Marshall. T.H. Marshall भी ये बोलता है कि जब हम एक citizen की बात करते हैं तो उसको पूरे तरीके से he must come forward, he must take active engagement in all the activities of the state, in all the whatever the activities, whatever the duties he has been assigned, जो भी उसको काम दिए गए हैं कि वो एक citizen के होने नाते उसको fulfill करना चाहिए, क्योंकि वो एक citizen is a full and equal membership in political community. वो political community का एक important part है. He is a complete part of the political community. He has the membership of the political community. He is the full member of the political community. इसलिए उसको पूरे तरीके से जो भी community के काम है, जो भी society के काम है, जो भी state के काम है, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा. हर काम में उसको कंट्रीब्यूट करना होगा एज नागरिक इन द नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. यही तक नहीं है, बल्कि ही मस्ट शो एलिजेंस टू द स्टेट, इन टर्न ही रिसीव्स प्रोटेक्शन एंड रिवार्ड्स. इसे हम ये पता है, इसे यहां पर ये पता चलता है कि एक जो सिटीजन होता है उसको उसका एक एलिजेंस होना स्टेट के साथ बहुत ही जरूरी है. उसका ताल्लुक स्ट्रांग होना चाहिए, उसको स्टेट के स्टेट पर फेथ होना चाहिए, उसको एक स्ट्रांग रिलेशनशिप होनी चाहिए स्टेट के साथ.
वो जो भी स्टेट लॉज बनाता है, जो भी कानून बनाता है, उसको अबाइड करना चाहिए, क्योंकि हमें हमको ये समझना जरूरी है, इट इज द स्टेट विच एक्चुअली प्रोटेक्ट्स हिम, विच गिव्स हिम सिक्योरिटी, विच गिव्स हिम ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल ही गेट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ही गेट्स बेटर रोड्स, ही गेट्स प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, ही गेट्स मैनी अदर रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट. सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द स्टेट. सो वट स्टेट इज एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न दैट एलिजेंस. एलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिजेंस ऑफ द सिटीजन टू द स्टेट. एंड वेन वी टॉक अबाउट द सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, तो हमको ये भी समझना होगा ये सिटीजनशिप जो वर्ड है ये कहां से आया है. सिटीजनशिप इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन सिविक एंड इक्विवेलेंट पोलाइट्स विच मीन्स मेंबर ऑफ पोलिस. ग्रीक वर्ड से भी लिया गया है एंड लैटिन से भी लिया गया है विच मीन्स ए मेंबर ऑफ पोलिस. जैसे ग्रीक सिटी स्टेट में पोलिस किसको बोला जाता था, सिटी स्टेट को बोला जाता है कि जो सिटीजन है वो उसका मेंबर होता है. लेकिन यहां पर हम सिटीजनशिप को यह भी समझना जरूरी है, हमारे स्टूडेंट्स को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि सिटीजनशिप इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, जिसको समझना बहुत ही लाजमी है कि एक इंसान को सिटीजनशिप मिला हुआ है किसी भी मुल्क का, तो उसको ये सिटीजनशिप दिया गया है लेकिन स्टेट उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन करता है. स्टेट उसको बहुत सारे राइट्स देता है लेकिन स्टेट उसको ये भी बोलता है कि आपको बहुत सारी ड्यूटीज भी है जिसको आपको निभाना है, जिसको आपको पूरा करना है. दैट यू एज अ सिटीजन यू मस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी प्रॉपरली, यू एज अ सिटीजन यू मस्ट परफॉर्म एंड फुलफिल योर ऑल पोलिटिकल ऑब्लिगेशन. दैट्स वॉट स्टेट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिटीजन. एंड जहां पर जो है सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है कि खाली सिटीजनशिप का मतलब लीगल एंड फॉर्मल स्टेटस ही नहीं है बल्कि ये उससे आगे का कॉन्सेप्ट भी है. दैट्स व्हाई ए सिटीजन मस्ट फुलफिल हिज ऑल ड्यूटीज, ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल हिज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस व्हिच स्टेट इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम एज ए सिटीजन. कि एक सिटीजन से क्या क्या उससे स्टेट एक्सपेक्ट करता है, उसको जो भी उसकी उसको ड्यूटीज दी गई है, जो भी उसको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन दी हुई, उसको वो पूरी तरह पूरा करता हो. थैंक यू सो मच.